देश में बढ़ रहे अपराधों और खासकर बालिकाओं के साथ हो रहे दुर्व्यवहार से उनकी रक्षा के लिए बेटमा नगर में एक ट्रेनिंग शिविर लगाया गया। इस शिविर में बालिकाओं को अपनी आत्मरक्षा के लिए जूडो कराटे का प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही उन्हें यह भी बताया गया कि आज के समय में लड़कियों पर हो रही अश्लीलता और दुराचार से बचने के लिए उन्हें हर समय सजग रहना चाहिए और अपने साथ होने वाली किसी भी हरकत को न छुपाकर उसका विरोध करना चाहिए। इस शिविर में कुछ बालकों ने भी भाग लिया। शिविर में ट्रेनर मंजू चौहान और शिवानी पांचाल ने जूडो कराटे की विभिन्न स्टेप्स बालिकाओं को बताई। शिविर में शासकीय व अशासकीय स्कूल से आई 60 बालिकाओं के साथ कुछ बालकों ने भी इन्हें सीखकर अपनी रक्षा को सुनिश्चित किया। शिविर के समापन पर अपने बेहतर कला का प्रदर्शन करने वाली बालिकाओं को अतिथियों द्वारा पुरस्कृत भी किया गया। बेटमा से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। मेरा उद्देश्य यह है कि आज के जमाने में आपको पता ही है कि लड़कियों को असुरक्षित महसूस होता है। घर से निकलती है तो अपने भाई का सहारा लेना पड़ता है, बहन का सहारा लेना पड़ता है। मैं चाहती हूँ कि हर लड़की सक्षम हो, हर लड़की को किसी भाई या किसी बॉडी गार्ड की जरूरत ना हो, वो खुद सेल्फ हो, सेल्फ डिफेंस हो और अपने सुरक्षा खुद करे। साथ में मैं हर स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में, हॉस्टल में, प्राइवेट स्कूल में जाके लड़कियों को सेल्फ डिफेंस और गुड टच बैड टच के बारे में बताती हूँ और सेल्फ डिफेंस सिखाती हूँ। इसमें मैं खुद कर रही हूँ। आप चाहती है कि शासन जो मुहिम हमने चलाई है इसको बहुत अच्छे स्तर पे करें। आपका नाम? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।